दोस्तों आज के वक्त में अमेरिका समेत पूरे यूरोप देश डरे हुए हैं और उस डर की सबसे बड़ी वजह है कि जो आज के वक्त में चीन का पूरी दुनिया का एनर्जी सेक्टर बनना, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल और इसके साथ बैटरी प्रोडक्शन भी। इन सब चीज़ों को लेकर पश्चिमी देशों का कहना है दोस्तों कि अगर ऐसा ही चलता रहा और चीन को नहीं रोका गया तो आने वाले कुछ ही सालों में पूरा यूरोप चीन पर उस तरह से निर्भर हो जाएगा जैसे आज हम पेट्रोल के लिए मिडिल ईस्ट देशों पर निर्भर हैं। और दोस्तों यही सबसे बड़ी वजह है कि आज सभी यूरोप देश भारत को चीन से रिप्लेस करने में लगे हुए हैं। और आज के वक्त यह सबसे ज्यादा कोशिश की जा रही है दोस्तों कि एनर्जी सेक्टर को लेकर जो चीन पर निर्भरता है वह भारत पर शिफ्ट हो जाए। और इसी अपडेट को लेकर दोस्तों एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है जिसके बारे में आज की इस छोटी सी वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो आप पूरी देखिएगा। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। दोस्तों न्यूज आर्टिकल्स की एक जारी रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2024 के इसी महीने से भारत ने अपने सोलर इक्विपमेंट 120 देशों से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों देखा जाए तो डेटाबेस के हिसाब से साल 2021 से 2023 के बीच भारत से करीब 1500 मिलियन डॉलर के सोलर मॉड्यूल्स का पूरे विश्व के कई देशों में एक्सपोर्ट किया गया था। और इस एक्सपोर्ट में करीब 900 मिलियन के सोलर इक्विपमेंट अकेले यूएस ने ही खरीदे थे और बाकी एक्सपोर्ट में सऊदी अरेबिया, टर्की और अफ्रीकी देश शामिल हैं। और दोस्तों देखा जाए तो आज भले ही हमारा भारत अपने सोलर टेक्नोलॉजी को लेकर आत्मनिर्भर बन चुका है, लेकिन अभी भी सोलर सेल के इम्पोर्ट का ट्रेड चालू है। और ये तभी बंद हो सकता है दोस्तों जब सोलर पीएलआई जीतने वाली अडानी, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां सही ढंग से सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू नहीं कर देती हैं। और यह जितना जल्दी हो सके उतना ही भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत में ही रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। और इसी के चलते भारत को जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।